है, ये मंथली चार्ट मैंने कर दिया। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये लमसम ये कुछ गया है 1000 1200 रुपए गया, उसके बाद में फिर नीचे आया, ये वैसे स्प्लिट हुआ है यहाँ पे कुछ 1:1, मतलब मैंने इसको 1200 देखा है, अब स्प्लिट की वजह से वो प्राइस कम दिखा रहा है। ये 1200 से 200, 1000 से 200 ऐसे कर करके मूव कर रहा था, और इस मूवमेंट की वजह से मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब ये कभी इसको, इस हाई को नहीं ब्रेक करेगा। मगर फिर मेरे को अभी ये देखने के बाद, नहीं बता रहा, फिर मेरे को रिलायंस का मैंने चार्ट देखा, रिलायंस के चार्ट को देख करके मेरे को ये समझ में आ गया कि ये भागेगा। रिलायंस का भी चार्ट ऐसे ही कुछ कर रहा था, अगर अभी मैं लगाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ये बहुत बड़ा ट्राइंगल बना है इसमें, मल्टी ईयर का ट्राइंगल, ठीक है, स्क्वीज हुआ और उसके बाद में ये भागा है। अगर इस तरीके के हमको मिल जाए किसी तरीके से स्टॉक, जिनमें मल्टी ईयर का इस तरीके का मूवमेंट हो, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ये देखो, ये 2008 के बाद में यहाँ पे ऐसे करके इसने एक ट्राइंगल बनाया हुआ था, स्क्वीज हुआ हुआ था, ठीक है। एक दूसरे तरीके से भी आप इसको देख सकते हो, ये ऐसे देख सकते हो, यहाँ से यहाँ स्क्वीज हुआ और फिर भाग गया। ये मेरे को एक ऐसा लगा कि यार ये जब जब ऐसा होता है और फटता है ना, तो अभी देखो 500 रुपए का था और यहाँ पे आज कितना 2500 रुपए का हो चुका है, 2500। तो ये एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर का साइन है, मल्टी बैगर स्टॉक का, राइट जो मेरे को अभी तक समझ में आया है। बट उसके लिए फिर आपको एक तो स्टॉक का डेटा लंबा होना चाहिए हिस्टोरिकल। अब सेम चीज मेरे को आईडीबीआई बैंक में लमसम दिखी थी, ठीक है, अभी मैंने करंट में उसका चार्ट नहीं देखा है, वो भी ऐसे ही नीचे जाता था ऊपर जाता था, बार बार सेम लेवल्स टच कर रहा था, बट नहीं, ये वैसा चार्ट नहीं है, ठीक है, मेरे को लगा कि शायद ऐसा है। एक और स्टॉक है जिंदल स्टील को, मैंने जिंदल स्टील या जेएसडब्ल्यू स्टील, दोनों में से कोई एक है, जेएसडब्ल्यू है शायद, लमसम सेम चीज उसमें हो रही थी। हाँ, ये हो रही थी, ये चीज मैंने उसमें भी देखी थी कि यार ये पार नहीं कर रहा है, और अब देखो मैंने इसको, मैंने बहुत टाइम बाद देखा है इस तरीके से मंथली चार्ट के फॉर्म में, सेम चीज हुई है यहाँ पे, ठीक है। जब मंथली में ये सब चीजें होती है ना, तो अब देखो जहां से भागा है, यहाँ से 135 से कहाँ पहुंच गया, अभी जो हाई इसने बनाया वो देखते हैं, 750। तो मतलब 130 से 750 कहीं ना कहीं आपका 4-5 टाइम्स हो गया। तो ये ट्राइंगल आपको एक चीज बता रहा है कि जहां से ये स्टॉक निकलता है 5 टाइम्स एटलीस्ट स्टॉक हो जाता है, जो मेरे को अभी तक समझ में आया। और मेरे को याद नहीं आ रहा कि किसी में ऐसा स्टॉक का चार्ट है क्या, मगर एसबीआई मेरे को याद है कि बहुत टाइम से एक रेजिस्टेंस को पार नहीं कर रहा है, वो अभी वैसा पार तो कर चुका है, बट उस तरीके का उसमें कुछ नहीं हुआ ट्रायंगल जैसा, ये इसका रेजिस्टेंस है बट उसमें वो चीज नहीं हुई है जो मैं वहां पे दिखा रहा हूँ अपन को, वो नहीं हुआ इसमें, ठीक है। तो यही 3-4 स्टॉक मेरे दिमाग में थे, तो मैंने देखा, ठीक है।